नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। कुल्लू मणिकर्ण घाटी के ब्रह्मा गंगा नाले में अचानक आई बाढ़, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में भी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह करीब 6 बजे मणिकर्ण घाट ब्रह्मा गंगा नाले में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई, जिसमें 3 लोगों का एक बच्चे के बह जाने की खबर मिली है। ब्रह्मा गंगा में सुबह के समय में आई बाढ़ से अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। छोटे से इस नाले ने बारिश के चलते विकराल नदी का रूप ले लिया और इसके साथ ही पानी कई घरों में भी घुस गया। स्थानीय वार्ड पंच उमा देवी ने कहा कि बाढ़ में बच्चा व महिला बह गई। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि भारी बारिश की आशंका के चलते लोगों को नदी नाले से दूर रहने को कहा गया। जिला आपदा प्रबंधन टीम को भी सतर्क कर दिया गया। अभी पटवारी श्री रमेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मणिकर्ण के ब्रह्म नाले में भारी बारिश के कारण नाला 4 लोगों को बह जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पूनम स्थानीय निवासी मणिकर्ण, निकुंज स्थानीय निवासी मणिकर्ण, दिनीता पर्यटक दिल्ली, विजेंद्र स्थानीय निवासी मणिकर्ण। R9 भारत के लिए जीत कपूर की रिपोर्ट कुल्लू से। जिला लाहौल स्पीति में मंगलवार दोपहर बाद बारिश से बाढ़ के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके चलते केलांग उदयपुर मार्ग पर डालमा नाले में बाढ़ आने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां लोगों को मौत को चुनौती देने वाली कहावत हो गई है। प्राकृतिक आपदा के बाद अब जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज की ताजा घटना में देखा गया कि सड़क दुर्घटना में हिंदी के घायल मरीज को उफनती डालमा नाले में पार करते स्थानीय लोगों बह के पुलिस के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति कुछ मीटर तक पानी के बहाव में बह गया। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर किनारे लगने से जान बच गई। R9 भारत के लिए जीत कपूर की रिपोर्ट कुल्लू से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।